हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्कॉटिश हाइलैंड्स के सफर को जारी रखते हुए आज हम यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत बेन नेविस की नेविस रेंजेस पर गोंडोला राइड का आनंद लेंगे। गोंडोला राइड सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहती है। नेविस पर्वत श्रृंखला पर लोग ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग के लिए भी जाते हैं। ठंड के मौसम में यहाँ स्कीइंग का भी आनंद लिया जाता है। गोंडोला का ये सफर 15 मिनट का होता है। इन 15 मिनट में आप बाहर के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े पाइन के पेड़ और बहुत कुछ दूर दूर तक के नजारे। हम जैसे ही केबल कार में बैठे यहाँ बारिश शुरू हुई। नेविस रेंजेस की इस गोंडोला राइड का आनंद लेने बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। ये बहुत जानी मानी जगह है। ऊपर आने के बाद मैप देखकर हम यहाँ के एक व्यू पॉइंट स्कर फिनिक्स 1 की ओर जाने लगे। तभी ओलों की बारिश होने लगी। इस व्यू पॉइंट तक चल के जाने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस व्यू पॉइंट से बहुत सुंदर दृश्य देखने मिले। हमने यहाँ इस व्यू पॉइंट पर काफी समय गुजारा और चारों ओर दिखने वाले खूबसूरत नजारों का आनंद लिया।
नेविस रेंजर्स में सबसे ऊंचा बेन नेविस पर्वत सामने दिख रहा था। हम इस पर्वत को दूसरे व्यू पॉइंट से काफी अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम वहां नहीं गए। वहां जाने के लिए और 30 मिनट चलना होगा। देखिए बाइकर्स कितनी तेजी से यहां से नीचे जा रहे हैं, है ना डरावना और जोखिम भरा खेल। यहाँ ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ आपको चाय कॉफी ब्रेकफास्ट लंच मिलता है। रेस्टोरेंट के आगे एक बड़ी बालकनी भी है जहाँ से काफी खूबसूरत व्यू दिखता है। हमारे स्कॉटिश हाइलैंड्स के सफर को जारी रखते हुए ऐसी ही एक और प्रसिद्ध जगह के बारे में जानकारी लेकर मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।